भारतीय लोगों की एक खासियत है, चाहे वो खुद पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है। एक पकौड़ा बेचने वाला, चाय बेचने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला इंसान भी चाहता है कि उसका बच्चा टाई पैंट पहन करके किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। दोस्तों, तेरी मेरी सबकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम शिक्षा की बात करेंगे। सवाल यह उठता है कि शिक्षा की बात करने की जरूरत क्यों है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, बिहार असेंबली के अंदर जब जमींदारी को खत्म करने की और सबको शिक्षा देने की बात की जा रही थी, उस वक्त जब शिक्षा का बिल प्रस्तुत किया गया तो वहां के महाराज दरभंगा महाराज ने कहा कि इस बिल में सबको शिक्षा देने की बात क्यों की गई है, यह जो कानून आप ला रहे हैं इसमें आप सबको शिक्षा देने की बात को खत्म कर दीजिए, क्योंकि यदि सबको शिक्षा दी जाएगी तो बकरी कौन चराएगा, हमारे खेतों में काम कौन करेगा। और यही बात उस जमाने के एकलव्य पर भी लागू होती है कि यदि एकलव्य को भी द्रोणाचार्य के द्वारा धनुर्विद्या सिखाया जाता तो वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता था। मतलब ये है कि उस जमाने में एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की इजाजत नहीं थी, अर्जुन को धनुष सीखने का अधिकार था, लेकिन एकलव्य ने अपने तरीके से धनुष चलाना सीख लिया तो द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। आज भी हमारे देश में जो शिक्षा की हालत है वह उससे बहुत अलग नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी किसी स्कूल के बाहर जाएंगे तो अक्सर आपको एक पंक्ति लिखा हुआ मिलता है, उसमें लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ऐसा लगता है कि यह स्कूल सबके लिए खुला हुआ है, हर कोई यहाँ आ सकता है, सबको पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है और पढ़ने के बाद सबको बाहर नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, ऐसा उस लाइन को पढ़ करके महसूस होता है। क्या हकीकत में ऐसा होता है? क्या सचमुच हमारे देश में सबके लिए शिक्षा लेना आसान है? क्या सबके लिए नामांकन प्रक्रिया आसान है? क्या इस देश में तमाम तबके के लोग, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, उनको एक तरह की शिक्षा दी जाएगी? उस जमाने में जब ये कहा जा रहा है वन नेशन वन टैक्स, तो क्या वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है? इन सवालों पर गौर करने की जरूरत है। इस देश में 6.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के बीच है, जो आज तक किसी स्कूल में नामांकन ले ही नहीं पाए हैं, उनका दाखिला लेने के लिए कोई विद्यालय नहीं बना है। सवाल यह बनता है कि जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? कि अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि स्वरोजगार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पकौड़ा बेचना भी एक काम है और लोगों को पकौड़ा बेचना चाहिए। कितने तक महीने में कमाई आपकी कितनी हो जाती है, समझिए कैसे रोजी रोटी चल जाता है दालों से। और उनके डिफेंस में उनके बड़े बड़े मंत्री और राज्यपाल कह रहे हैं कि पकौड़ा बेच करके भी इंसान बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत धनवान बन सकता है। अंबानी जी का उदाहरण दिया जा रहा है और फेसबुक के मालिक का उदाहरण दिया जा रहा है। इसीलिए जितने तरीके की सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं उसमें कहीं भी शिक्षा की बात नहीं की गई है। न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट में एजुकेटेड इंडिया की बात नहीं की जा रही है और इसका नतीजा ये है कि भारत के अंदर शिक्षा प्राप्त करना, एडमिशन लेना, स्कूल में अपनी पढ़ाई को पूरा करना और पढ़ करके परीक्षा पास करना, परीक्षा पास करने के बाद अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी प्राप्त करना, ऐसा हो गया है जैसे मंगल ग्रह पर पहुंचना। क्या इस देश में सभी नागरिकों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्कूल के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लगती और ये लाइन विद्यार्थियों का नहीं, उनके अभिभावकों का है। बच्चों के पिताजी और माताजी का इंटरव्यू लिया जा रहा है और कई बार गरीब के बच्चों का एडमिशन इसलिए नहीं लिया जाता है कि यह आर्गूमेंट दिया जाता है स्कूल प्रशासन के द्वारा कि आपके बच्चे झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये यदि हमारे स्कूल में आएंगे तो इनसे यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, बच्चे ऐसे शब्द बोलने लगेंगे जिन शब्दों से उनकी पर्सनालिटी पे बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए यह जानने के लिए आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपका इंटरव्यू लेना जरूरी है। ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है कि नाव को पानी में नहीं रेत में चलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की बात नहीं हो रही है, स्कूल चाहता है कि ऐसे बच्चे हों जो पहले से ही सीखे सिखाए हों, और ऐसे सीखे सिखाए बच्चों को पढ़ाने के नाम पे उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया ये जाता है कि
टीचर की क्वालिटी, स्कूल की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी और सिलेबस में क्या उनको पढ़ाया जाएगा, इस पे विमर्श नहीं होता है। विमर्श ये होता है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे हम आपको हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे, आपको स्विमिंग सिखाएंगे और आपको जो है दुनिया का भ्रमण कराएंगे। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप होगा। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि चंद्रग्रहण आसमान में लगता है और चंद्रग्रहण क्यों होता है ये पढ़ाना स्कूल का काम है, लेकिन आज चंद्रग्रहण क्यों होता है ये पढ़ाना स्कूल का काम नहीं है। उल्टे इस देश के शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि डार्विन का सिद्धांत गलत है और डार्विन ने कहा कि बंदर से आदमी होने की जो बात है वो गलत है। दरअसल उनको ये कहना चाहिए था कि हम आदमी से बंदर होते जा रहे हैं और इसका उदाहरण आपको कई बार दिखता होगा। जब आप रात को टीवी खोलते होंगे तो कुछ एंकर आपको माइक लेकर के उछल कूद करते हुए नजर आते हैं। उनकी ये चिंता कभी नहीं होती है कि वो शिक्षा पे बात करें, हालांकि वह भी लाइन में लगते हैं। जब उनको अपने बच्चों के एडमिशन की बारी आती है उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है। इस देश के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनको उनको भी इस बात की चिंता होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, लेकिन फिर भी इस देश में एजुकेशन पे बात नहीं होती है। इसीलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा किताब खरीदने में नहीं, टैंक खरीदने में खर्च किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी से यदि आगे निकलना है तो कार खरीद करके आप आगे नहीं निकल सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे करके आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन यह बात इस देश के हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही। आखिर समझ में भी कैसे आए जब ये हुक्मरान यह कहते हों कि किसानों को अपना फसल बचाने के लिए खेत में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए एकमात्र उपाय है हनुमान चालीसा। तो उनको यह बात समझ में नहीं आएगी कि फसल को कीट से बचाने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने की। एक तरफ सरकार कहती है कि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, लेकिन स्कूल को डिजिटल करने के लिए उस स्कूल में पहले बिजली का होना जरूरी है। लेकिन पता नहीं यह कौन सी अद्भुत टेक्नोलॉजी है, जब इस देश के 40% विद्यालयों में बिजली ही नहीं है तो फिर उस स्कूल को डिजिटल कैसे बनाया जाएगा। हो सकता है कि गोबर गैस पे चलने वाला किसी कंप्यूटर का आविष्कार इस देश के शासकों ने किया हो, जहां बिजली की जरूरत नहीं है और वो गाय के गोबर से वो इस कंप्यूटर चलता हो। शायद इसलिए ही आज स्कूल में प्रयोगशाला की नहीं गौशाला की बात की जा रही है। साहब, स्कूल को बेहतर बनाने के लिए गौशाला की नहीं प्रयोगशाला की जरूरत होती है। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए विज्ञापन की नहीं विज्ञान की जरूरत होती है। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए स्कूल में फंड देना पड़ता है ताकि उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। स्थिति यह है कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है और इसका एक नतीजा यह दिखाई देता है कि दो तरह के स्कूल आपको दिखेंगे। एक तरफ जहां प्रति विद्यार्थी प्रति माह 10,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो स्कूल हैं जहां प्रति माह प्रति विद्यार्थी 1,100 रुपया खर्च किया जा रहा है। यह जो अंतर है शिक्षा का, इस अंतर में सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य हमको पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर इस लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक की स्थिति का सही मूल्यांकन करने की जरूरत है। कि एक बड़ी आबादी ऐसी है बच्चों की जो कभी स्कूल पहुंच ही नहीं पाए, जो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके पास वो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उनके पास बिजली नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं हैं, अच्छा सिलेबस नहीं है। स्कूल को जैसे तैसे लोग पास करते हैं। ड्रॉप आउट की स्थिति ये है कि जितने बच्चे नामांकन लिए जाते हैं उसकी एक बड़ी आबादी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। जो लोग हाई स्कूल से हायर एजुकेशन में जाते हैं उनकी संख्या बेहद कम है और हायर एजुकेशन की हालत यह है कि तमाम तरीके के जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उस रिसर्च प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले यूजीसी के अंतर्गत यह प्रावधान लाने की कोशिश की गई कि इस देश के शोधार्थियों को जो फेलोशिप दिया जा रहा है उस फेलोशिप को बंद कर दिया जाएगा। कितनी अजीब बात है। एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, विभिन्न राज्य की सरकारों ने यह फैसला लिया है कि हजारों प्राथमिक स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस देश के अंदर जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं उनको जो फेलोशिप दिया जा रहा है उस फेलोशिप को बंद करने की बात की जा रही है। तीसरी तरफ उनके लिए जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए उसका अभाव है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन तमाम घटनाओं के बीच आप मुस्कुराइए, यह तो आप ही कर सकते हैं।
एक तरफ आप विद्यार्थी का फेलोशिप छीन लें, एजुकेशन के बजट को कम कर दें और विद्यार्थियों से कहें कि आप मुस्कुराइए और योगा कीजिए। कह रहे हैं कि आप एग्जाम वॉरियर हैं। हम एग्जाम वॉरियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एग्जाम देंगे और एग्जाम हम पास भी करेंगे, लेकिन एग्जाम पास करने के बाद क्या, और उन बच्चों का क्या जिनका नामांकन ही किसी स्कूल में नहीं हो पाया, और एग्जाम पास करने के बाद जो हम डिग्री लेकर के आएंगे, फिर उस डिग्री का क्या? जब आप कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, तो फिर एमबीए करने का क्या फायदा है? तो फिर इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा है? साइंटिस्ट बनने का क्या फायदा है? सोशल साइंटिस्ट बनने का क्या फायदा है? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है कि वह बात जो कही जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, उसको बदल देने की जरूरत है। और आज उसको यह कहना चाहिए कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, तलोगे पकौड़ा बनोगे नवाब। यह संदेशा इस देश की सरकार और इस देश के मंत्रियों के द्वारा हम नौजवानों को दिया जा रहा है। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि इस देश में लोग 18 वर्ष में वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं। फुल फ्लेज नागरिक होने का अधिकार उनको 18 वर्ष में प्राप्त होता है, लेकिन शिक्षा ऋण जो है, शिक्षा लोन जो है, उनको 18 वर्ष से पहले लेना पड़ता है। मतलब यह है कि नागरिक बनने से पहले ही वो कर्जदार बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि कर्ज से दबे विद्यार्थियों के कंधे पे एक मजबूत राष्ट्र का बोझ नहीं झेला जा सकता है। यदि आप इस देश को मजबूत बनना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन लोन के लिए लोगों को प्रमोट मत कीजिए, आप लोगों को एजुकेशन लेने के लिए प्रमोट कीजिए। हमें एजुकेशन लोन नहीं लेना है, हमको एजुकेशन लेना है। और एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज यह सामूहिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि दीप्ति को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? एक लड़की जो अपना स्कूल फीस नहीं भर पा रही थी और उसके स्कूल प्रशासन के द्वारा उसको जाति आधारित ताना मारा जा रहा था, जिस अपमान को वह बर्दाश्त न कर पाई और उसने आत्महत्या कर लिया, इस दीप्ति की हत्या का जवाब हमारे जेनरेशन के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और इस सवाल को कि एजुकेशन हमारा बुनियादी अधिकार है, एजुकेशन सरकार के द्वारा मिलने वाला कोई भीख नहीं है, और यदि हम सरकार को वोट देते हैं तो अपने नागरिकों को एजुकेशन देना यह सरकार की जिम्मेवारी है, इस बात को हम लोगों को मजबूती से उठाना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी मजबूती से इस सवाल को नहीं उठाएंगे, तब तक किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में शिक्षा की बात नहीं की जाएगी। तब तक यह बात नहीं कहा जाएगा कि जब वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए।